नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़। मैं हूं आशुतोष प्रसाद। आज मैं मौजूद हूं बस्तर ज़िले के जगदलपुर शहर के धर्मपुरा इलाके में, और यहां है मानव विज्ञान संग्रहालय। मानव विज्ञान संग्रहालय जहां बस्तर की अनमोल धरोहरें मौजूद हैं, ये वो संग्रहालय है जहां पर बस्तर की अनमोल विरासत मौजूद है। बस्तर की संस्कृति की बात हो, यहाँ के रहन सहन की बात हो, लोग किस तरह से पहले बस्तरवासी जीते थे, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो किन साधनों का प्रयोग करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगी, उसके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। जैसे ही आप इस संग्रहालय में प्रवेश करेंगे, आपके दाईं ओर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जिसे गोटुल कहा जाता है, और यहाँ पर बस्तर की संस्कृति और बस्तर की परंपराओं की शिक्षा दी जाती थी। मानव विज्ञान संग्रहालय में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर पीयूष रंजन साहू जी। आइए हम उनसे जानें इस संग्रहालय में और क्या क्या चीज़ें हैं और इस संग्रहालय का क्या महत्व है। मानव विज्ञान संग्रहालय है, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो खुला है छत्तीसगढ़ में, बस्तर तब छत्तीसगढ़ का केरला के आयतन के बराबर था, और इसीलिए बस्तर को चयन किया गया है। एवं बस्तर में दिसंबर 11, 1972 को ये म्यूजियम जो है खुला गया है, और ये पहले विजय भवन में था, और उसके बाद 78 में फिर ये जनसाधारण के लिए ओपन कराया गया है, और ये एक छत्तीसगढ़ में बहुत महत्व रखता है, एक मानव विज्ञान का संग्रहालय है, तो ये सबसे बड़ा मानव विज्ञान संग्रहालय है पूरा छत्तीसगढ़ में। और बस्तर में जितने सारे हमारा आदिवासी है, और अगर बोला जाएगा तो 70% लगभग 2011 का जनगणना के हिसाब से आदिवासी हमारा बस्तर में रहते हैं, और उसके साथ बहुत लोग भी आदिवासियों के साथ रहते हैं, और उनका जितना रहन सहन, सोशियो इकोनॉमिक जितना सब एक्टिविटीज़ होता है, और मटेरियल जितना यूज करते हैं, तो ये सब मटेरियल कल्चर का एक हम लोग यहाँ पे म्यूजियम में रखे हैं, और लोग इसको देखने आ रहे हैं। मानव विज्ञान ऐसा एक विज्ञान है जो कि मानव के साथ जुड़ा रहता है, तो मानव विज्ञान होने के नाते मैं बोलूँगा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि मानव के साथ जुड़ा नहीं है, तो मानव को जो स्टडी करते हैं उसको मानव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे मानव का हर कोई यूज करने वाला सामान या मानव के साथ जुड़े वाला सामान हमारा म्यूजियम में यह है। जैसे आप इसको देख रहे हैं ओपन एयर म्यूजियम, जैसे उनका घर है, उनका गुड़ी है, गुड़ी मतलब देवगुड़ी जहाँ पे देवी रहते हैं, उनका आस्था जहाँ पे टीका रहता है, तो उनके भी जो आदिवासियों के हैं उनके अपना अपना जो धर्म पीठ है, धर्म गुड़ी है, देवी देवता रहते हैं, वही भी हम ओपन एयर म्यूजियम में उसको रखे हैं। और जो इंडोर म्यूजियम है हमारा, उनका सब मटेरियल कल्चर है, जितने दैनंदिन जीवन में जो सब व्यवहार करते हैं उसी सब सामान को हम लोग अंदर में रखते हैं। जैसे आपको मिलेगा पत्ता में कैसे बास्केट बना था, पूरा पत्ता में उसको बीजा कैसे संरक्षण कर रखते हैं, तो साइंटिफिकली अगर देखा जाएगा, अगर साइंस में देखा जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारा जल जाने के बाद जो राख होता है, राख के साथ वो पत्ते के अंदर बीजा के राख मिला के उसी पत्ता के अंदर वो रखते हैं बास्केट के अंदर, बहुत शानदार मुझे लगा। और बस्तर के आसपास में जैसे पानी, अभी धूप के सीजन में पानी लेते हैं, तो लौकी जो मिलेगा लौकी के अंदर पानी को डाल के उसके ऊपर एक देखेंगे जूट में एक बनाएंगे, उसको पकड़ के वो पानी लेके जाएंगे, तो पानी ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, कभी आप पिए होंगे बस्तर में, तो बहुत शानदार। और बस्तर में रहा जैसे सल्फी का रस लोग लेते हैं, शादी में सल्फी का रस के व्यवहार करते हैं, उसको लेने के लिए मिट्टी का बर्तन हो या उसी लाव का जो तंबा होता है उसी में भी लेके लोग जाते थे, तो ये एक साइंटिफिकली जुड़ा हुआ है जीवन में मनुष्य का, जो कि बस्तर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे है, ऐसे अनगिनत है कि जो करीब हमारा म्यूजियम में 3000 से ज़्यादा है, तो हम लोग अभी उसको संरक्षण करके रखे हैं, और कुछ डिस्प्ले में जगह कम होने के कारण हम लोग डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, चेंज करते हैं उसको, अल्टरनेटिव में आपको देखने के लिए मिलेगा। और रहा ये हमारा छात्रों का और वैज्ञानिकों का और जो रिसर्चर है उनको कैसे ये सहायक होगा,
जैसे हम लोग देखते हैं जीवन में जो चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे मैंने बोला पानी, पानी हम लोग मटकी में रखते हैं, अभी कूलर का आ गया है, मानो गांव में करंट नहीं है तो इसका भी नया तरीका भी डेवलप किया जा सकता है, तो उसको देख की। और आजकल आप लोग अगर देखेंगे जैसे हम लोग फैशन शो करते हैं, तो जिसका ट्राइबल जो अर्नामेंट आजकल फैशन शो में बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रूप में शामिल किया जाता है, तो लोग यहाँ से जो फैशन टेक्नोलॉजी करते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे उसका नॉलेज लेते हैं। और जो ट्राइबल आर्ट है, फोक आर्ट जिसको बोलते हैं, फोक आर्ट भी बहुत बस्तर का शानदार, जैसे आप लकड़ी का कट में आप देखने को मिलेगा, प्लेट में देखने को मिलेगा, वुड प्लेट में, तो ये सब का बहुत शानदार मतलब व्यवहार कर सकते हैं। घर बनाने का तरीका और सामान बनाने का तरीका, ये सब हर चीज़ में कुछ ना कुछ साइंटिफिकली कॉज रहता है, जिसको स्टूडेंट लोग, में एक दो का एग्जांपल आपको रखा आपके समक्ष, तो इसको स्टूडेंट लोग सीख पाएंगे, जान पाएंगे। और एक सबसे बढ़िया, अगर बस्तर के स्टूडेंट लोग आके देखेंगे कुछ चीज़ उनका कल्चर से अभी धीरे धीरे विलुप्त होने जा रहा है, तो वो भी खुशी लगेगा कि हमारा ग्रैंडफादर जो पेरेंट है वो लोग भी ऐसे व्यवहार करते थे और उनको बहुत मज़ा आएगा। बस्तर में बहुत जो पुराने समय का जो खान पान था, अगर उसमें देखा जाएगा तो कोदो कुटकी हेरुआ इसका बहुत अच्छा रहा। और अभी भी आप देखेंगे थोड़ा सा बस्तर से 30-40 किलोमीटर अगर अंदर चले जाएं तो कोदो कुटकी का बहुत व्यवहार अभी भी चल रहा है, जो कि साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे जो शुगर के लिए कोदो कुटकी को बहुत अच्छा मानते हैं, शुगर जिसको होता है वो खाएगा तो ठीक हो जाएगा। और हेरुआ को अगर देखेंगे तो आप अगर साइंटिफिकली उसको देखेंगे, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं जिसको किडनी में पत्थर होता है ये सब, तो ये जो खान जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट लोगों को बीमारी से बचाता था। तो अभी धीरे धीरे बाहर का चावल आ रहा है बस्तर में, और बस्तर का भी चावल जो है, धान है, अभी हाट और बाज़ार में मिलता है, तो इसका बहुत महत्व रहा और अभी भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, और जो कि वो शानदार एक फूड हैबिट होगा। 1972 से जो ये बनी हुई है, और यहाँ पे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का बहुत ऑफिसर्स, बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत म्यूजियम कीपर यहाँ पे रहे हुए हैं, और उन लोगों ने बहुत अच्छा शानदार काम किए हैं, उनके कारण आज इतना बड़ा कलेक्शन हमारे पास है। और हम लोग भी बहुत एरिया अंदर अंदर जाते हैं, और हम लोग ताकि लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग का दिक्कत नहीं होता है, हम लोग इजीली लोगों के पास एक्सेस कर पाते हैं, और उनसे उनका ही धरोहर है ये, हम बस रखवाले हैं, तो वो लोग अपने को दे रहे हैं अपने को सामान रखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे मेमोरियल पिलर, अभी कुछ दिन पहले मैंने मुलाकात किया था रामाराम से, हम लोग मेमोरियल पिलर लकड़ी का लाए थे, जो कि धीरे धीरे बस्तर से वो ख़त्म होने जा रहा है, अभी पत्थर में और सीमेंट में भी बनाने लगे। तो ऐसे बहुत शानदार चीज़ हम लोग कलेक्शन किए हैं, और हमारे जो सहकर्मी हैं और बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं और इशू को आगे लेने के लिए, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में भी बोलूँगा, इस म्यूजियम को आगे लेने के लिए, बढ़ाने के लिए और बस्तर को समृद्ध करने के लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा, शिक्षा ही एक मुख्य रूप है, जो कि बस्तर बच्चे और भी शिक्षा का मतलब लाभ उठाना चाहिए, और हमको सबको एडमिनिस्ट्रेशन और हम सबको बच्चे कैसे शिक्षा ले पाएंगे उसके ऊपर और थोड़ा काम बेहतर करना है। मैं घूम के बहुत सारे जगह में देख रहा हूँ, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लड़कियां बाइक चला रहे हैं बस्तर में, बहुत सारे लड़कियां आपको देखेंगे बाइक चलाने से, तो और बहुत सारे तीर कमान मार रहे हैं, और बहुत सारे गुलेल होता है, गुलेल में चिड़िया का शिकार करते हैं। अगर उसको हम सही डिरेक्शन में ले आएँ, क्रीड़ा में ले आएँ, और शिक्षा उनको अच्छी तरह हम लोग प्रदान करें, तो बच्चे नेशनल लेवल में भी अच्छे काम कर सकते हैं। और वो म्यूजियम में आपका जो क्वेश्चन था कि कल्चर को लेके, म्यूजियम को लेके, अगर वो आए इस चीज़ को देखे, उनका रुचि अपने चीज़ के ऊपर बढ़े, तो यही आर्ट, यही कल्चर एक दिन विदेश में, देश में नहीं विदेश में भी इनके लिए नाम लाएगा, और हमारा बस्तर को रोशन करेगा, छत्तीसगढ़ को भी रोशन करेगा।